हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप गांगुली। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जो है कॉमन कंपोनेंट बनाना देखेंगे, कैसे आपको बनाना होता है रिएक्ट जेएस में। हम लोग अपना अमेजोन क्लोन में कॉमन कंपोनेंट बनाएंगे और हम लोग क्यों बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में क्लास नेम करके एक जो है आपका लाइब्रेरी है जिसका यूज हम लोग नोड जेएस के साथ करते हैं, उसका यूज भी जो हम लोग इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो कॉमन कंपोनेंट में क्या होता है कि जो आप अभी तक देखेंगे, अगर अपने कोड में जाएंगे, यहाँ पर जैसे मैंने ये लॉग इन व्यू बनाया था, इसमें जैसे आपने ये इनपुट फील्ड यूज किया है टेक्स्ट लेने के लिए और फिर आपने कई जगहों पर इनपुट फील्ड का यूज किया है, तो हम लोग क्या करते हैं इसी तरीके से एक कंपोनेंट बना लेते हैं रिएक्ट जेएस में, जिसका नाम, जैसे अगर आप टेक्स्ट टाइप का इनपुट ले रहे हैं तो कंपोनेंट का नाम हम लोग रख देंगे टेक्स्ट फील्ड इनपुट। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस कंपोनेंट के अंदर हम लोग ये जो प्रॉप्स है, वैल्यूज जो है, इनको पास कर देते हैं और उस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। और ये करने से क्या होता है कि आपका जो इनपुट का ये जो टैग यूज कर रहे अपने पूरे प्रोजेक्ट में, वो आपका एक कॉमन कंपोनेंट में आ जाता है। और फिर जब अगर मान लीजिए आपको आगे चल के प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज करना हुआ, इस इनपुट फील्ड पे डिजाइन बदलना हुआ, कुछ करना हुआ, तो वो आप एक जगह पर चेंजेस करेंगे और वो आपके पूरे प्रोजेक्ट में जो हर जगह पे वो चेंजेस दिखने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और आप क्या करते हैं, एक एक कंपोनेंट बना रहे, उसमें आप जा रहे इनपुट फील्ड लगा रहे, फिर दूसरा कंपोनेंट बनाया वहां पे भी इनपुट फील्ड लगा दिया, उसमें कुछ आपने यहाँ पे ये लिख दिया, ये कर दिया, तो ऐसे में अगर आपको बाद में कुछ चेंजेस करने हो अपने पासवर्ड फील्ड पर या टेक्स्ट बेस्ड इनपुट फील्ड पर या किसी दूसरे इनपुट फील्ड पर, तो आपको हर एक पेज को ओपन करना होगा, हर इनपुट फील्ड में जाना होगा, कोड बदलना होगा, जिसमें आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है कॉमन कंपोनेंट बनाते हैं। और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऐसे कंपोनेंट जो कि कॉमन है, प्रोजेक्ट में बार बार यूज हो रहे हैं, वो उन्हीं को आपको कॉमन कंपोनेंट बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको कंपोनेंट्स के ऊपर एक बार राइट क्लिक करना है, नया फोल्डर बनाना होगा जिसका नाम होगा कॉमन, यहां एंटर दबाना है। इसके अंदर हम लोग जो अपना कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट बनाने का प्रोसेस जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप पहले से देखते आ रहे हैं, जैसे आपका फंक्शनल कंपोनेंट है या क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, वही आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉमन के ऊपर न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, इसका नाम रखेंगे टेक्स्ट इनपुट, या हम लोग लिख सकते हैं टेक्स्ट फील्ड इनपुट। स्पेलिंग जो है वो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे RFC, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट हमें बनाना है और ये जो हम लोग है एक कॉमन कंपोनेंट बन जाएगा। यहां से करना है कट, ये आपको सिलेक्ट करके कट करना है, नीचे ले जाना है, यहां पे लाके कर देना है पेस्ट। अब इसके अंदर जो कई सारे प्रॉप्स हम लोग पास करेंगे और प्रॉप जो होता है अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में पास कर रहा हूं और यहाँ पे मैं जो की होगा उनके नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो क्लास नेम करके जो लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहां पर जाके आपको लिखना होगा क्लास नेम, लिखिएगा और ये नेम्स लिखना है, फिर आपको लिखना है npm js, एंटर दबाइएगा, यहाँ पे ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, इसको ओपन करिएगा। यहाँ पर ये देखिए वेब पेज ओपन होके आ गया, यहाँ पर ये आपको बताया कि देखिए ये क्यों यूज किया जाता है और कुछ एग्जांपल्स भी जो आपको इसके मिल जाएंगे यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये सारे एग्जांपल दिए गए तो आप इन्हें एक बार देख सकते हैं। पर यहाँ पर हमें जो देखना है वो है ये npm का कमांड, तो आपको क्या करना है इसे लेना होगा। ये हम लोग npm का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मेरे इंटरनेट में npm जो हर बार फंस जाता है, तो मैं yarn का यूज करूंगा। तो ये वाला कमांड यहां से मैं कर लूंगा कॉपी, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा जो कि मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है, तो मेरा ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है फ्रंट एंड वाले को, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर दूंगा, एंटर दबाऊंगा और ये जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा इंटरनेट की मदद से। ये आप देख सकते हैं क्लास नेम्स करके जो लाइब्रेरी था वो इंस्टॉल हो चुका है, अब हम लोग इसका यूज भी करेंगे। तो यहाँ पर ये सब चीजें हम लोग सबसे पहले बंद कर देते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि अपने कोड में जाएंगे रिएक्ट जेएस वाले में, फिर आपको यहाँ पे जो प्रॉप्स आपने यहाँ पे बनाया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इनपुट फील्ड में जो आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने होंगे। जैसे कि सबसे पहले आपका क्या हो गया, टाइप हो गया, कॉमा लगाइए, एंटर दबाइए, फिर क्या हो गया, नेम एट्रीब्यूट हो गया, फिर आईडी हो गया, फिर आपका क्लास नेम हो गया, फिर आपके पास जो है आ गया ऑन चेंज हो गया,
कॉमा लगाइए, एंटर दबाइए और सोचिए कि आपके पास और क्या हो सकता है। तो लॉगिन व्यू में देखते हैं और क्या है। टाइप क्लास नेम, प्लेस होल्डर हो गया, तो प्लेस होल्डर लिख लीजिए, प्लेस होल्डर हो गया, कॉमा लगाइए, एंटर दबाइए और देखिए और क्या है आपके पास। नेम हो गया, आईडी हो गया, फिर आपके पास जो है ये हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर ये भी लगाना हो तो आप क्या करिएगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐसे लगा लीजिएगा, पर मुझे लगाना नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है आपके पास वैल्यू हो गया तो आप वैल्यू लिख लीजिए, ये मैंने लिखा, कॉमा लगाना है, एंटर दबाना है, फिर देखिए और क्या क्या है इनपुट फील्ड में आपके पास। ऑन चेंज आपने लगा लिया, रिक्वायर्ड हो गया, मिनिमम लेंथ वाला हो गया, तो ये लिख लीजिए मिन लेंथ हो गया। उसके बाद आपके पास जो है रिक्वायर्ड वाला हो गया, ये कर लीजिए। अगर कहीं आपने रीड ओनली वाला लिखा है ये, तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो ये रिक्वायर्ड हो गया। और कोई आपके पास है तो वो देख लीजिए, नहीं है यहाँ पर। और ये जो है और कोई इनपुट फील्ड हम लोगों ने यूज किया है तो ये चेक कर लेते हैं। ईमेल के लिए यहाँ पर कोई है, क्लास नेम, वैल्यू, प्लेस होल्डर, आईडी, ये सब हम लोग जो है कर चुके हैं, सारी चीजें हम लोगों ने ऐड कर दी है। तो यहाँ पे वापस आते हैं हम, और यहाँ पर हम लोग जो है टी वाला जो वेरिएबल है वो भी पास करेंगे, जो यहाँ पे ये टी और I18N है, ये दो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। ये मैंने कॉमा लगाया, यहाँ पे लिख दिया I18N, क्योंकि जो ट्रांसलेशन होगा उसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग इसको पास कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन का बॉडी है यहाँ पे हो गया, तो ये आपके प्रॉप्स बन गए इस तरीके से। आगे मान लीजिए अगर आपको और भी कोई एट्रीब्यूट जो है ऐड करना है इनपुट फील्ड में, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा और फिर आप उसको यहाँ नीचे यूज कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि ये जो डिव टैग है इसे यहाँ से हटा दीजिएगा और फिर अपने लॉग इन व्यू वाले में एक बार जाइएगा, और यहाँ पे ये जो है आपका, ये आपका डिव टैग लगा है फॉर्म ग्रुप से लेकर, इसे करना है कॉपी, नीचे तक जाना है, जो वैलिडेशन का आपने लिखा है वहां तक आपको जाना है, कॉपी करना है, टेक्स्ट फील्ड वाले में लाके यहाँ पेस्ट कर देना है। CTRL ए दबाइएगा, राइट क्लिक करिएगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक बार कर लीजिएगा, फॉर्मेटिंग जो सही हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है एक और प्रॉप ऐड करेंगे, वो होगा लेबल टेक्स्ट, ये ऐड कर लेंगे और वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे ये जो लिखा स्मॉल टैग में जो लिखा छोटा सा इन्फो दिया जाता है, ये भी ऐड कर लेते हैं। मैंने लिखा इन्फो टेक्स्ट, ये मैंने लिख दिया, तो लेबल टेक्स्ट हो गया, इन्फो टेक्स्ट हो गया, बाकी जो वैलिडेशन के लिए था वो यहाँ पर हो गया। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ये आपको उस तरीके से जो है कर्ली ब्रैकेट आपको लगाना होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अगर जो है लेबल टेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी पास किया गया है, तो उस केस में आपको ये वाला टैग जो आउटपुट में दिखाना है, ये हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे HTML फॉर्म जो है आईडी वाला आपको डालना होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं ये आईडी। क्लास नेम जो है ये रहेगा, इसमें RTL है, RTL क्या है भी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। और यहाँ पर जो है आपका ये जो है लेबल टेक्स्ट वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा, यहाँ पे हम लोग हटा के ये लिखते हैं लेबल टेक्स्ट, ये आपको डाल देना है। और टी वाला वेरिएबल तो आपने यहाँ पे जो है बना ही दिया, ये हो गया, तो ये आपका लेबल के लिए हो गया। अगर लेबल टेक्स्ट पास किया जाएगा तो लेबल टैग ऐड होगा, अगर नहीं किया जाएगा तो नहीं होगा। और जब आप इस तरीके से कुछ लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसमें वैल्यू है, ट्रू है, तो फिर ये है, और अगर यहाँ नहीं है तो फिर नहीं है। अब बात आती है इनपुट टैग की, तो इनपुट टैग को हम थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं, इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे इसे भी नीचे करिए, इसे भी नीचे करना है, प्लेस होल्डर नीचे, इसे भी नीचे करना है, नीचे कर लेना है, यहाँ पे नीचे कर लेंगे, इसको भी नीचे, ये हो गया। उसके बाद आपके पास स्मॉल टैग है, स्मॉल टैग में आप क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे जो आपने लेबल के साथ किया था, इस तरीके से आप जो यहाँ पे लगा लेंगे कर्ली ब्रैकेट, ये मैं लगा दिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वही आपको यहाँ पे लिखना है क्या इन्फो टेक्स्ट जो है पास किया गया, अगर किया गया तो स्मॉल टैग दिखाओ आउटपुट में। और यहाँ पर आईडी में जो है ये इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लास नेम जो लिखा है वही हम लोग रहने देंगे, और जो यहाँ पर ये है ये भी वही रहेगा। और यहाँ पे टी वेरिएबल के अंदर हम लोग जो यहाँ पे इन्फो टेक्स्ट जो है वो पास कर देंगे, ये हो गया मेरा स्मॉल टैग यहाँ पर। उसके बाद जो ये वैलिडेशन के लिए जो है उसे हम लोग यहाँ पे रहने देंगे, और यहाँ पर जो आपको वैलिडेशन में जो आपको देना होगा वो एरर जो है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, तो ये मैंने डाल दिया।
और यहां पर जो है एरर मत लिखिएगा, इस जगह पर वायरेशन ओके रहने दीजिएगा। यहां पर आपको लिखना है एरर, एरर वाले वेरिएबल में जो भी डेटा होगा वो यहां पर आ जाएगा। और ये जो एरर है ये कहां से आएगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो रिडक्स में हम लोग वैल्यू स्टोर कर देंगे, रिडक्स से हम लोग जो है यहाँ पे पास करेंगे, और जो सर्वर से जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आएगा। तो ये आपका जैसे वहां लगेगा तो तुरंत डेटा जो आपके इनपुट फील्ड है उसके नीचे दिखने लगेगी यहाँ पे एरर है। तो वापस चलते हैं फ्रंट एंड के कोड में, यहाँ पे आना है, ये मेरा एरर वाला हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग एक चेंज और करेंगे, और वो ये है कि हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ये कर देंगे, और यहां पर आपको लिखना है अगर एरर है तो ये इस तरीके से लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा। और ये हम लोग यहाँ पे इसको आज नीचे कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा दिखने में। ये मैंने यहाँ कर लिया, यहाँ पे एंटर दबाना है, यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया, ये ज्यादा सही लगेगा। और उसके बाद जो ये यहाँ पर है इसको फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं अभी के लिए। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ बना लिया इसे अब आपको यूज करना है। तो कैसे करना है वो आप देखते हैं। तो इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है, और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं जरा ये RTL वाला जो सेटअप है वो कर लेते हैं। तो कैसे करना है लॉग इन व्यू में देखिए, RTL वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, तो इसी को यहाँ से करिए कॉपी और यहाँ लाके कर दीजिए पेस्ट, ये हो गया। और यहाँ पर ये IITNN तो आपको इससे मिल ही जाएगा, ये हो गया। और फिर जो ये है आपके क्लास नेम, अब इनका आपको यूज करना, तो कहाँ करेंगे टाइप में आप जाएंगे, यहाँ पे डिलीट करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप, नेम पे जाके आप लिख देंगे नेम। ये वाला भी जो सेटअप का काम था ये भी करना है। क्लास नेम में अभी यही रहने देते हैं, प्लेस होल्डर में आपको लिखना होगा प्लेस होल्डर, ये आईडी में आपको लिखना होगा आईडी, इसकी कोई जरूरत नहीं इसे हटा देंगे। वैल्यू में आपको लिखना होगा वैल्यू, ऑन चेंज में आपको लिखना होगा ऑन चेंज, रिक्वायर्ड वाले पे आपको लिखना होगा। अब इस क्लास नेम में आपको यहां पे आना है, जो आपने यहां पे लिखा है यहां पर आके आपको जो अभी जो आपने क्लास नेम्स करके जो लाइब्रेरी इंस्टॉल किया उसका आपको यहां पे यूज करना है। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लिखेंगे क्लास नेम इस तरीके से फ्रॉम ये हो गया यहाँ पे इंपोर्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ क्लास नेम में क्या करेंगे, इसे सबसे पहले यहां से करेंगे कट, यहाँ पे हम लोग जो क्लास नेम वाला जो इंपोर्ट किया उसे कॉल करेंगे, इसके अंदर जो नॉर्मल प्रॉपर्टी CSS की लगानी है वो डाल देंगे, कॉमा लगा के हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है कि आपको जो क्लास लेटर आप ऐड करना चाहते हैं इसमें कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पर वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे जो इज इनवैलिड करके जो प्रॉपर्टी है वो ऐड करना है अगर एरर हो तो उस केस में। तो अगर कोई भी एरर नहीं होगा ये वाला वेरिएबल खाली होगा तो इसका खाली का मतलब होता है फॉल्स, और फॉल्स जब होगा तो ये ऐड नहीं होगा, और अगर होगा तो ये ऐड हो जाएगा। ये इज इनवैलिड जो है मैं आपको ये बता दूं ये क्लास सिलेक्टर बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। अगर आप किसी भी इनपुट फील्ड में इज इनवैलिड ऐड कर देंगे तो वो जो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे रेड कलर का बन जाएगा, और उसमें जो भी एरर उसमें आउटपुट में आना चाहिए वो आपको नीचे दिखने लगेगा। इसी तरीके से जैसे इज इनवैलिड होता है वैसे ही अगर आप इज वैलिड ऐड कर देंगे तो वो जो ग्रीन कलर में आपका इनपुट फील्ड बन जाएगा, और उसमें जो भी ओके होने पर जो भी मैसेज होना चाहिए वो आउटपुट में आ जाएगा। तो हम लोग को इनवैलिड चाहिए तो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने लॉग इन व्यू में आना है, और यहाँ पर आके अब आपको जो ये आपने कॉमन कंपोनेंट बनाया इसे आपको इम्पोर्ट करना होगा। मैंने लिखा इम्पोर्ट ये, और मैंने आपको लिखा टेक्स्ट फील्ड इनपुट, ये मैंने लिख दिया फ्रॉम ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश, दो बार डॉट फॉरवर्ड स्लैश, कॉमन में जाना है फॉरवर्ड स्लैश, इस पे जाना है, ये आपका हो गया, ये आपका यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया। लेकिन इससे पहले हम लोग एक काम और करेंगे कि इस वाले कंपोनेंट में आइएगा, यहाँ पे आप देखेंगे क्लास नेम हम लोगों ने यूज नहीं किया, तो इस क्लास नेम को आपको यहाँ पे डालना है, ये इस तरीके से आप क्लास नेम लिख दीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करना है, आप देखिए मिन लेंथ ये आपका बचा हुआ है तो इसे भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने लिखा मिन लेंथ इक्वल टू मिन लेंथ, ये मैंने लिख दिया। तो सारे जो प्रॉप्स थे हम लोगों ने यहाँ पर पास कर दिया, आप देख सकते हैं यूज कर लिया। वापस चलते लॉगिन व्यू पे, आपको क्या करना है ये इनपुट फील्ड जो यहाँ पे
आपने लगाया फॉर्म ग्रुप के अंदर पूरा ये, इसको यहां से करना है सिलेक्ट, यहां तक जाना होगा, इसे आपको जो भी डिलीट करना होगा। लेकिन डिलीट करने से पहले हम लोग जरा सेटअप तो कर ले पहले अपना। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड इनपुट को कॉल किया, यहाँ पे आपको जाना है, ये क्लोज कर दिया, इसको यहाँ से बंद करना है, यहाँ पे जाना है, एंटर दबाना है। अब जो प्रॉप्स आपने इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे बनाए ये, इन्हीं को आपको एक एक करके पास कर देना है इसके अंदर। आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है, सबसे पहले देखिए ईमेल के लिए ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे टाइप में ईमेल लिख देना है ये। फिर आपके पास कौन सा है, नेम है, यहाँ पे जाइए एंटर दबाइए पेस्ट कर दीजिए। फिर आपके पास कौन सा है, क्लास नेम है, कॉपी करिए पेस्ट करिए एंटर दबाइए। फिर आपके पास कौन सा है, प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर को करना है कॉपी, फिर आपको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास कौन सा है आप देखिए, उसके बाद जो आपके पास है ये वाला है, तो ये आपने कॉपी किया यहाँ पर और उसको जो यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने। उसके बाद जो है आपके पास कौन सा है देखिए, यूजर नेम होगा ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू वाला है, कॉपी करिए पेस्ट करिए। उसके बाद आपके पास कौन सा है, ऑन चेंज वाला है, कॉपी करिए पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपके पास कौन सा है, वो आप देखिए रिक्वायर्ड वाला है, तो रिक्वायर्ड वाला कॉपी करिए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके पास कोई और प्रॉप्स जो है क्या वो मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई मौजूद नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, लेबल वाला और जो आपका ये है स्मॉल टैग, इसका आपको काम करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे, या इसको रिक्वायर्ड के पहले ही लिख लेते। यहाँ पे मैंने लिखा इन्फो टेक्स्ट इक्वल टू ये आपको करली ब्रैकेट लगाना है, और इन्फो टेक्स्ट में आपको क्या डालना था, जो स्मॉल टैग में आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको ये जो है डाल देना है। तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ, यहाँ पे ये आपको एक करली ब्रैकेट जो हटा देना है, ये ज्यादा हो गया है। उसके बाद हम लोग जो है लेबल वाला टेक्स्ट जो है वो भेजेंगे, तो LBL टेक्स्ट मैंने लिखा इक्वल टू लगाया करली ब्रैकेट नहीं लगाई है अभी। ऊपर चलते हैं, लेबल टैग के अंदर हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, तो इसे कॉपी करिए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए, ये हो गया। उसके बाद आपके पास है कोई और बाकी बचा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिन लेंथ करके बचा है। तो यहाँ पर जो प्रॉप्स है अगर आप उसे पास नहीं करते यहाँ पर, जैसे कि आपने यहाँ पास नहीं किया, तो उसकी वजह से कोई भी एरर नहीं आएगा और यहाँ पे जो है जो वैल्यू जगह जाएगा वो एम्प्टी वैल्यू रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा कर सकते हो, किसी प्रॉप को अगर आपको पास नहीं करना तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये सब जब आपका काम हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्म ग्रुप है इसे यहां से कर दीजिएगा कट और ये बैक स्पेस दबाइएगा, ये आपका बन गया पहला वाला। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जरा अपने जो वेब ब्राउजर उस पर जरा रन करके देखते क्या जो आउटपुट है बिल्कुल सेम आ रहा है, क्या उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ पे वेब सर्वर आपको स्टार्ट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा npm स्टार्ट। तो ये आप देख सकते हैं हम लोग का जो प्रोजेक्ट है रन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं लॉग इन वाला पेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कुछ आपको एरर बता रहा है कि i18n इज अनडिफाइंड। तो हम लोग को जो ये पास करना होगा, हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, तो अपने कोड में वापस चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पे जाकर आपको लिखना है आई 18n इक्वल टू ये i18n। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा जो t वाला है वो आपको पास करना है, तो आप यहाँ पे t लिख देंगे, ये हो गया। जरा वेब ब्राउजर पे चलते एक बार रिफ्रेश करते, ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है एरर इज नॉट डिफाइंड, ये जो है ये आपका आ रहा है। तो आप वापस अपने हम लोग कोड पे चलते हैं, देखते कहाँ पे मिस्टेक है। ये मेरे पास है ये एरर जो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये हम लोगों ने एरर जो है यहाँ पे ये देखिए प्रॉप्स में हम लोगों ने नहीं लिखा, तो एरर जो है बिल्कुल सही बता रहा। तो ये मैंने एरर लिख दिया, कॉमा लगा दिया, सेव कर लीजिएगा, वापस चलेगा वेब ब्राउजर पर, पेज को रिफ्रेश करिएगा और ये देखिए आपके सामने आ गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पहले जैसा ही आउटपुट आ रहा है, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आप टाइप कर सकते, सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। तो हम लोग के पास जो दूसरा इनपुट फील्ड है उसमें भी हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। तो वापस चलते अपने कोड में, सेम उसमें जाएंगे, लॉग इन व्यू में जाना है और उसके बाद जो इसी को टेक्स्ट फील्ड को यहां से करिएगा कॉपी, एंटर दबाना है, पेस्ट कर देना है, ये जो है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना है। और जो आपका नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है पासवर्ड के लिए वो आपको यहाँ पे अब डाल देना होगा सब कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को यहां से कॉपी करेंगे
और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। प्रोसेस आप समझ गए, मैं ये जो कॉपी पेस्ट करने का काम है मैं वो वीडियो में जो कट कर दूंगा आप खुद से कर लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट फील्ड का जो इनपुट का सेटअप है वो हो चुका है। पासवर्ड के लिए सब कुछ मैंने सेट कर दिया है, ये देखिए पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, मिनिमम लेंथ डाल दिया, रिक्वायर्ड डाल दिया। अभी मुझे यहाँ पर एरर भी जो है वो पास करना होगा, जो कि मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि रिडक्स में जो स्टोर है वहां पे एरर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल क्या करते हैं, ये सब हटा देते थे, कोई जरूरत नहीं है। जो बटन है वो रहने दीजिएगा, ये मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया, यहाँ पे ये हो गया, और उसके ऊपर वाला भी मैंने हटा दिया था। फॉर्म में से जो ये नीड्स वैलिडेशन, इसको भी रिमूव कर दीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये नो वैलिडेट रहेगा, ऑटो कम्प्लीट ऑफ जो ये रहेगा, और चाहे तो ये रिक्वायर्ड भी इसको हटा दीजिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड की भी कोई जरूरत नहीं, इसे भी हटा दीजिए। मिनिमम लेंथ इनको भी रिमूव कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। टेक्स्ट फील्ड इनपुट में जाएंगे और यहाँ पर भी जो रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ है इसे हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोगों ने कहीं यूज नहीं किया था मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड, उसको हटा देना है, क्योंकि वैलिडेशन जो हम लोग सर्वर पर चेक करके वापस भेजेंगे, अगर आप फ्रंट एंड पे गलत कुछ भी भेजते तो सर्वर से आपका एरर ही आने वाला है, वैल्यू जो सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये सब रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ये सब रखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इन सबको हटा देते हैं। ये हो गया यहाँ पर और ये मेरा काम जो हो गया। पेज पर चलते एक बार रिफ्रेश करते हैं वेब सर्वर जो पहले से रन कर रहा है। इसके बाद आपको एक काम और करना है और वो ये है कि ये जो पब्लिक फोल्डर है इसमें आपको जाना है, index.html में जाना है। इसमें जो आपने ये बूटस्ट्रैप के लिए jQuery का आपने कोड लगाया था वैलिडेशन के लिए, इसे रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो बूटस्ट्रैप का वैलिडेशन था उसे हटा दिया है, तो उस कोड को भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो पब्लिक वाले फोल्डर में index.html से आपको रिमूव कर देना, ये कर दीजिएगा और ये काम हो गया। इसके बाद आप रिडक्स वाला जो आपका कोड है उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास लॉगिन रिक्वेस्ट हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये स्टेट हम लोगों ने जो है सेट कर दिया है, आउटपुट में दिखाया है। तो इस वाले फंक्शन में जाना होगा, तो आपने उसमें देखिएगा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, यहाँ पे सोर्स में आप जाएंगे, रिडक्स में आप जाएंगे, आपको एक्शन मिलेगा, लॉगिन एक्शन मिलेगा, इसमें आपको जाना है। लॉगिन रिक्वेस्ट वाला ये है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो एरर था वो हम लोगों ने सेट शायद से नहीं किया था, ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे एरर्स की जगह एरर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो, अगर मैं आपको अपना बैकएंड का कोड दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एरर था उसको मैंने एरर्स को एरर कर दिया, तो इसलिए हम लोग यहाँ चेंज कर रहे हैं। देखिए हर जगह मैंने एरर कर दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कर दिया है। तो वापस चलते फ्रंट एंड वाले कोड में, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर लॉग इन करते वक्त कोई भी अगर एरर आता है तो वो जो है आपके यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपने बनाया था रिड्यूसर, इसमें अगर आप चाहेंगे इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा एरर्स में। और यहाँ पे भी मैं एरर कर लेता हूँ, एरर्स मैं नहीं रखूंगा, यहाँ पे हम लोग जो है ये एरर कर लेते हैं। हर जगह जो आपको सेव रखना है ये एरर्स मत रखिएगा, एरर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर भी, ये मैंने कर लिया एरर। इसके बाद हम लोग जो अपने क्या करते हैं, अब जरा प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं बैकएंड को स्टार्ट करने के बाद कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो हम लोग अपने यहाँ पर वेब ब्राउजर पर चलेंगे, जिसका वेब सर्वर पहले से रन कर रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। CTRL शिफ्ट और के दबा के देख लीजिएगा कंसोल में कोई एरर ना हो, मेरे में नहीं है फिलहाल, आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो बैकएंड वाला आपका सर्वर है उसे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, बैकएंड वाला जो प्रोजेक्ट जिसे पॉइंट करा है नोड मॉल लिखेंगे, एंटर दबाना है, वेब सर्वर जो स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जरा सबमिट करते हैं, ये मैंने साइन इन पे क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं एरर यहाँ पर आ गया। और यहाँ पे जो ये आपका एरर आया वो ये देखिए पासवर्ड ईमेल पे आया है। अब यहाँ पे हम लोग जो रिडक्स पे चलते हैं जरा और देखते हैं कि जो मेरे पास ये है, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये देखिए जो आपका लॉग इन रिड्यूसर था उसको जो आपने एरर बनाया था उसमें आपका पासवर्ड और ये एरर जो एड हो गया। अब इस एरर वाले वेरिएबल को आपको एक्सेस करना है रिडक्स के स्टोर से, तो अपने कोड में वापस चलते हैं। और यहाँ पर जो मेरे पास ये लॉगिन कंटेनर है उसे आप देखिएगा, यहाँ पर जो ये है मैंने वैल्यूज को एक्सेस किया था ये लॉगिन से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेंडर में हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्रॉप्स हम लोगों ने जो है पास कर दिया आगे। अगर हम लोग यहाँ पे जाए लॉगिन व्यू में, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हम लोग कॉन्स्टेंट, ये रिडक्स में जो आपके एरर सेट हो रहा है उन्हें एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से कॉन्स्ट लिखना है।
एरर लिखना है, इक्वल टू लगाना है, यहां का आपको लिखना है प्रॉप्स, डॉट लगाना है आपको लिखना होगा लॉग इन, डॉट लगाना, डॉट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपने डी स्ट्रक्चरिंग किया है। तो ये लॉग इन जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे जो आपने लिखा था लॉग इन, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट मौजूद है रिड्यूसर में आपने देखा होगा, ये देखिए आपने बनाया था, ये इनकी वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एरर लिख दिया, तो ये जो एरर है ऑब्जेक्ट वो इस पे सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है, ये टेक्स्ट इनपुट फील्ड है, इसमें आप लिखिए एरर इक्वल टू, यहाँ पे जाना है लिखना आपको एरर डॉट, किसके लिए आप ले रहे हैं ईमेल के लिए, तो ईमेल लिख दीजिए। उसके बाद आपको यही करना है कॉपी, यहाँ से ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जाना है करना है पेस्ट, ये किसके लिए लिया जा रहा है पासवर्ड के लिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पासवर्ड। अब हम लोग जो क्या करते हैं, जरा वेब ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, वेब ब्राउजर पे जाना है, पेज को रिफ्रेश करना है, और ये देखिए अब अगर हम सबमिट करेंगे तो एरर आ जाएगा, ये देखिए वैलिडेशन जब काम करने लगा। अब मैं लैंग्वेज को चेंज करता हूँ, ये देखिए अब फॉर्म जो आपका सबमिट नहीं होगा, तो जो वैलिडेशन है बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगा, ये देखिए चेंज क्या बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं जैसे पिछली बार आपका जो है आपने देखा था वैलिडेशन हम लोग का फंस गया था राउटिंग करने के बाद से, तो वो चीज अब सही हो चुका है, तो वैलिडेशन जो आपका सही से वर्क करने लगा है। अब अगर मैं आपको कोई ईमेल लिखता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिखा, ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा, साइन इन पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए ईमेल नॉट एग्जिस्ट क्लिक किया, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि डेटाबेस में अभी जो डेटा मौजूद नहीं है पासवर्ड के लिए, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो बिल्कुल अब सही से काम करने लगा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड पे जरा वापस आइएगा, यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट इनपुट फील्ड आपने बनाया है इसमें जो आपने अगर सब कुछ ओके है जो उसके लिए आपने बनाया था, इसको कोड को हटा दीजिएगा, वैसे कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई एरर होगा तो हम लोग दिखाएंगे, अदरवाइज जो है ओके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, तो ये मेरा काम हो गया। और ये जो मिन लेंथ और ये रिक्वायर्ड था इससे भी हम लोग यहाँ से कर देंगे रिमूव, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने रिमूव कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो रजिस्टर वाला पेज है उसी में जाके हम लोग अभी सब चेंजेस करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, बाकी सारी चीज सेटअप हो चुकी है, वैलिडेशन एरर जो है बिल्कुल सही से आने लगा है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपने दो तीन वीडियो बाद जो है लोडर कैसे लगाना है ये सब भी देख लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी चेंजेस मैंने कोड में किया उसे मैं गिटहब पे पहुंचा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपको बताएगा देखिए इन इन फाइल में चेंजेस किए गए, हम लोग यहाँ पे करेंगे प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर हम लोग यहाँ मैसेज लिखेंगे, मैंने कहा कि लॉग इन वैलिडेशन फिक्स्ड ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे फुल पुश पे जाएंगे, पुश टू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो मेरा सारा कोड है गिटहब पे पहुंच जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जा रहा है। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं, ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में दिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।